सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज तुरंत ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उर्दू मीडिया हजरात की, जैसे ही जुमा की रात में जो एक डिसीशन आया है वो डिसीशन कैबिनेट की तरफ से, कर्नाटका कैबिनेट की तरफ से बहुत ही फिरकावराना डिसीशन है। जो मुसलमानों को टू बी रिजर्वेशन दिया गया था वो रिजर्वेशन को कैबिनेट ने कैंसिल करके, वो जो हमारा हक था, वो जो हमारे मुंह से जो रोटी निकालकर दूसरे लिंगायत और वक्कलिगा तबकात को 2-2% बनाकर दिए हैं, तो इसके ताल्लुक से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बम्बई सरकार की यह डिसीजन को, कैबिनेट सरकार की यह डिसीजन को कंडेम करती है। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बैकवर्ड क्लासेस को सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए दिया जाता है, इसे पॉलिटिक्स करने के लिए या वोट हासिल करने के लिए नहीं दिया जाता। ये देवेगौड़ा जी ने अपने चीफ मिनिस्टर के जमाने में उन्होंने ये 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था, उस वक्त में भी 2-3 मरतबा कोर्ट को गए, कोर्ट से भी ये चीजें जो है वाजे हुई कि ये कमीशन जो भी रिजर्वेशन दिया गया है वो सही है। उसके बाद 2 कमीशन बिठाए गए, एक वेंकट स्वामी कमीशन और चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन, ये दोनों कमीशन ने भी यह वाजे किया कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है वो सही है, क्योंकि वो रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया था, वो रिजर्वेशन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से दिया गया था। जस्टिस सचर कमेटी रिपोर्ट में भी वाजे तौर से बताया गया है कि मुसलमान बहुत ज्यादा पसमानदा है, इसे एजुकेशनली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इमीडिएट अपलिफ्ट करने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन ये तमाम कमीशन रिपोर्ट्स होने के बावजूद, रंगनाथ मिश्रा के फरमाइश होने के बावजूद, यहां पर इस तरीके की पॉलिटिक्स, वो भी ऐसे वक्त में जहां पर 2-4 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है और दोबारा सरकार इलेक्शन को जाने वाली है, ऐसे वक्त में ये कौम को खुश करने के लिए दूसरे कौम की रोटी खींचना, उनके पेट पर लात मारना और वह मजलूम और बेजुबान कौम को बार बार सताना, ये बिल्कुल सही नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसे कंडम करती है और कल इतवार और पीर पूरे कर्नाटका में रियासत गिर पैमाने पर हम एहतजाज कर रहे हैं। कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे, रास्तों पर भी हम उतरेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। रास्तों पर उतरना, एहतजाज करना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर से हम तमाम अवाम को गुजारिश करते हैं और लाइक माइंडेड जो भी सेक्युलर अवाम है, सेक्युलर एक्टिविस्ट हैं, हमारे हिंदू भाई हैं और जो समाज में इंसाफ कायम करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस की बात करना चाहते हैं, ऐसे तमाम हजरात से गुजारिश है कि ऐसे वक्त में अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस और जेडीएस, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने लीडर्स के ऊपर जब भी कोई हालात आते हैं तो फौरन जिस तरीके से रास्तों पर उतरते हैं, उससे ज्यादा उनको लीडर बनाने वाली जो कौम है, वो कौम के ताल्लुक से जो मजलूमियत का वाकया पेश आया है, इसे बहुत ज्यादा कंडम करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरन अपना अपना एहतजाज दर्ज कराएं। उलमाए इकराम से और मुख्तलिफ तंजीमों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारा रोल निभाना जरूरी है। ये रमजान का महीना है, तमाम अपने अपने अमाल में बिजी हैं, फिर भी मुझे मालूम हुआ है कि अलग अलग जगह पर उलमाए इकराम और मुख्तलिफ तंजीमें, सियासी हजरात मीटिंग्स किए हैं। मीटिंग से, सेमिनार से ज्यादा इसे जो है अपना गुस्से का इजहार करने के लिए जो भी दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने मौके फराहम किए हैं पीसफुली, वो तमाम मौकों को हमें इस्तेमाल करना है। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो लीगल पैनल बनाया जा रहा है, जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बातें कर रहे हैं, हम भी उसमें शरीक हैं, हम भी उसमें शरीक रहेंगे। इसी तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम सियासी और समाजी रहनुमाओं से और मजहबी रहनुमाओं से गुजारिश करता है कि इसको बहुत सीरियस लें। ये माइनॉरिटीज के साथ, खुसूसन मुसलमानों के साथ बार बार धोखा हो रहा है, ये और मजीद धोखा हुआ। क्या मांग रहेगा? मैंने एहतजाज की बात किया और बार बार ये बताया, मैं पीसफुली, जैसे ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट आता है, तशद्दुद में इसे लिपेटने की बार बार कोशिशें मीडिया की तरफ से भी होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी होती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अब तक जितने भी एहतजाज किया है वो बहुत ही पीसफुली है और हम कॉन्स्टिट्यूशन पर और लॉ एंड ऑर्डर पर हम ईमान रखते हैं, तो पीसफुली ये प्रोटेस्ट होगा, स्टेट वाइड रहेगा, पूरे डिस्ट्रिक्टों में, पूरे असेंबलियों में हमारा एहतजाज कल और परसों दर्ज होगा। सर, क्या जरूरत पड़ गई सर इसको, जो बीजेपी को 2-4 दिन में बड़ा फंडा करने वाला है, क्यों इस तरीके का कदम उठाई है? इसमें जो औहदे पे है कांग्रेस में हो या कई पार्टियों में हो, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे?
देखिए जो जो तबकात बेदार हैं वो बेदार तबकात ये रिजर्वेशन के मुतालिबे में बहुत पहले से एहतजाजात कर रहे हैं, बार बार सरकार के पास जाते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, वो जिस तरीके से उधर एक लॉबी करना है, जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट करना है वो करते हैं। लेकिन मुसलमानों के पास प्रेशर ग्रुप ने है, चापलूसी करने की बहुत ज्यादा आदतें हैं, उनको मालूम हो गया कि आखिर वक्त में सब्जेक्ट को डालेंगे तो हिंदू मुस्लिम और लिंगायत तो वक्लिगा और मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा इलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके की एक पॉलिटिकल एक स्टंट उन्होंने निभाया है। लेकिन मुसलमान बहुत चालाक हो गया है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे कौम से उम्मीद करता है कि इसमें सिर्फ मुसलमान आगे नहीं रहेगा, तमाम तबकात इंसाफ के लिए अपने अपने आवाज और एहतजाज दर्ज कराएंगे। सर 10% है ईडब्ल्यूएस का, उसमें इंक्लूड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट का कहना है कि 4% कैंसिल करके हमने 10% के अंदर जो है ना डाल दिया है, इसके बारे में बहुत सफेद झूठ है, बहुत बड़ा मजाक है ये। आप वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो बात हो रही है, आप डाटा उठाकर देखें, इंडिया के 95% लोग उसमें आएंगे, 95% लोग अपने आप को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, वहां जाकर आपको रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है? मुसलमानों को इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। ये पसमानदा तबकात को जो 20% है, इसको हम खामोश करके, दूर करके, कमजोर करके, पसमानदा करके इंडिया को, कर्नाटका को हम तरक्की याफ्ता नहीं बना सकते, इसलिए वो रिजर्वेशन दिया गया था। अब जो रिजर्वेशन निकाला गया है वो एक सियासी चाल है। हम कोर्ट को जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने तरीके हैं वो तमाम पीसफुल तरीकों को हम अपनाएंगे।